नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, आपने दुनिया में भिखारी बहुत देखे होंगे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, कई कई दिन तक न नहाने वाले भिखारी भी देखे होंगे। कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं आडंबर के नाम पर लोग भीख मांगते हैं। ये लोग अक्सर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर आवाजाही लोगों की बनी रहती है, जैसे मंदिर हैं और बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जहाँ पर लोग दया और धर्म के नाम पर पैसा लुटाते हैं। लेकिन हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे भिखारी से जो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ फर्राटेक इंग्लिश बोलता है। आजकल उसका सोशल मीडिया पे खूब वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, अंग्रेजी में इसने जो भारत का संविधान और उसका वृतांत सुनाया वो देखने को बनता है। आप इस वीडियो को देखें और इसे लाइक किए बिना नहीं रहेंगे अगर इस भिखारी की आपने बात सुन ली तो। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों की बोलती बंद कर सकता है ये? भीख भी मांगो तो अदब से, ये इसका स्टाइल ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आने जाने वाले सैलानियों और भारत से बाहर के लोग जो यहाँ पर आते हैं उनसे फर्राटेक इंग्लिश बोल करके उनको प्रभावित करता है और भीख में बड़ी आसानी से वो इसे भीख दे देते हैं, बड़ी आसानी से वो इन्हें पैसे भी दे देते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को और करते हैं मन से विश्लेषण। So there is no word that admits of more various signification and has made different impression on the human minds than of liberty, sir. So, India is a rich country where live poor people. If India is a rich country, then how living here poor people? It is a burning question written by the professor Kamte in the Sociology of India. So according to the Constitution of India, we want fundamental rights of the general citizens, particularly about the citizens of India. We want selection of the unemployed youth in different branches of government of branches, selection of the unemployed youth in the different services. Particularly it is demands of the Republic of India. Particularly, sir, before you, my lord, in your stable, it is my request before you, sir. But in the search of the service, there is not vacancies for the unemployed youth. Particularly, we want according to the Constitution of India, selection of the unemployed youth in the different services, in any branches of the government of India. Particularly, sir, it is major aspects of me. Particularly, sir, I said before you, so public is the main power. Without voting power of the general public, there is not establishment of the new government. We want selection of the unemployed youth in any services. बेकारी समस्या को दूर किया जाए, भारत में हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दिया जाए और जो वरिष्ठ ऑफिसर हैं वो कम से कम इस पर विचार करें। सिर्फ उसके नौकरी से नहीं होता है, उसके नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वन जेनरेशन में, उसके आने वाले फ्यूचर्स में उन बच्चों का भी सिलेक्शन होना चाहिए जिसने कंप्लीट किया, बीए ग्रेजुएशन किया या एमए किया, जो कुछ भी किया। अगर उतने पढ़ने के बावजूद भी, माता पिता का पैसा खर्चा होने के बावजूद भी अगर उसे नौकरी नहीं होता है तो बहुत अफसोस की बात है सर। मुझे उन नौजवानों का नौकरी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, मैं उसे अफसर के रूप में देखना चाहता हूँ। इट इज माई ड्रीम पॉइंट सर। नेक्स्ट वन कमिंग फ्यूचर, विश यू बेस्ट लक एंड हैप्पी जर्नी। A lot of salutation to you, sir. Nice to meet you.